आप स्टार्टिंग में ये फ्लाइट देख करके ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कहाँ पहुँच गए। सो बताता हूँ, एक और चीज़ देख लो, ये है हिंदू श्मशान भूमि और यहाँ पर है ये हॉर्स और यहाँ पर इस तरह की काफ़ी सारी हैं झोपड़ियाँ। अब अगर फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है तो इसका मतलब मैं किसी एयरपोर्ट के आसपास हूँ, है ना। तो हाँ, मुंबई CST एयरपोर्ट जो है उसी के आसपास हूँ। ये इलाका जो है ये है थार रोड और कुछ सीन ऐसे दिखाने वाला हूँ जो आप लोगों ने मोस्टली फिल्मों में ही देखा होगा। क्या है वो दिखा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ वो है ये। इस तरह के सीन आप लोगों ने मूवीज़ में बहुत देखा होगा जिसमें खास करके मछुआरे लोगों की कहानी होती है जिन फिल्मों में। तो वो है यहाँ पर कार्टर रोड के आसपास। तो गाइस ऐसा ही है ये चीज़, यहाँ पर मछलियाँ सुखाई जाती हैं जो मरी हुई होती हैं वो। बाकी अब आगे चलते हैं, ये भी दिखाना चाहूँगा यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। एकदम चौल टाइप बोलते हैं ना, एकदम एक्सट्रीम लेवल ऑफ गरीबी वो है यहाँ पर। ये जो आप सामने देख रहे हैं घर, यहाँ से अब हम एंटर होते हैं और ये जो जगह है ये जगह जानी जाती है कार्टर रोड के नाम से। ये आप समझ लो एंड पॉइंट है और यहीं से शुरुआत होती है आगे तक। और बाकी ये बीच है, ऊपर है सूरज, सीन काफ़ी अच्छा है पर थोड़ी सी धूप है तो उतना अच्छा भी दिखेगा नहीं। ये है कार्टर रोड का एंड और यहाँ पर हैं ये चौल वगैरह जैसे लोग रहते हैं, झोपड़ी टाइप ऑफ। बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ है पर सामने से रोशनी आ रही है इसलिए अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बाकी डिज़ाइन बहुत सुंदर है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं इंद्र प्रकाश, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंद्र द ब्लॉगर। इट्स अ फ्राइडे 26th of November और शाम के 4:30 बज रहे हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन। इसी के थोड़ी सी दूरी पर आपको वहाँ बैंड्रा वाली सीलिंग दिख रहा होगा वो है बैंडस्टैंड। और मैं यहाँ पर एक चीज़ देखा यार, वो ये कि यहाँ पर खार रोड पर यहाँ रेत दिख रही है, बैंडस्टैंड इसके बगल में है वहाँ बिल्कुल भी रेत नहीं रहती पर यहाँ पर रेत है। खैर यहाँ और वहाँ में क्या अलग है पता नहीं। बाकी ये कुछ बैठने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। आप में से जिन लोगों ने कार्टर रोड का नाम सुना है पर देखा नहीं है कि कार्टर रोड कैसा है तो देख लो। सुना था कि कार्टर रोड पर सचिन तेंदुलकर का बैट है बहुत बड़ा पर मुझे पता नहीं था कहाँ है, अचानक सा नज़र आ गया। ये है आई थिंक स्टंप एंड ये है बैट, बहुत खूबसूरत है और सिल्वर कलर का बैट है एंड ये इनिशिएटिव लिया गया है न्यूज़ 18 की तरफ से। वीडियो बन रही है शायद तक। कार्टर रोड पर एक बहुत अच्छा सा, ये बहुत सुंदर गार्डन एक्चुअली, पर यहाँ पर काफ़ी सारे कपल्स बैठे हैं तो इसलिए मैं वीडियो यहाँ पर बना नहीं रहा हूँ। बाकी ये बहुत खूबसूरत चीज़ लग रही है, यहाँ पर काफ़ी सारी बोट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा उधर से आगे से जाऊँगा। वॉच नाउ अमेज़न प्राइम द व्हील ऑफ टाइम। तो ये बीच का एरिया एंड वहाँ पर हैं बोट्स काफ़ी सारी, यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े सुखाए जा रहे हैं। एक्चुअली आगे वहाँ पर थोड़ी सी झोपड़ी, वहाँ कुछ लोग रहते हैं मछुआरे लोग। बाकी अच्छा है जगह, बहुत सही यार। देखो मैं इसकी बात कर रहा था, यहाँ से एंट्री है जाने का पर जाने दो, आज बहुत थका हुआ हूँ, कौन जाएगा उतना दूर। एरिया देख रहे हो, ये है डॉग्स पार्क, लुक हियर, ये है डॉग्स पार्क एंड ये है राजवंती मोदी चिल्ड्रंस पार्क। पर गाइस अपार्टमेंट्स बहुत सुंदर सुंदर हैं, ये दो तीन देख लो आप, और उधर भी थी दो तीन, मैंने कैप्चर नहीं किया पर बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं बोला दिखा देना जरूर चाहिए। एक्चुअली गाइस मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया था, किसी खास मकसद से आया था। कार्टर रोड काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब स्ट्रक्चर वगैरह ठीक है, एक चीज़ की कमी है वो है क्राउड, पब्लिक। अब आप शायद समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर किस लिए आया था। कार्टर रोड पर आया था मैं गोल्ड मैन जो अपना लिविंग स्टैचू है वो परफॉर्म करने के लिए, बट उसके लिए जगह सही नहीं है। बाकी सब देख लेता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ। लगा हुआ साइड में ये भी है, पानी वानी गंदा कचरा, मच्छर भी शायद यहाँ बहुत ज़्यादा लगते होंगे शाम को अगर कोई यहाँ पर बैठता होगा तो।
वहाँ पर देखो पेंटिंग हो रही है। यहाँ पर बैठने के लिए काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ ना, यही वो इलाका है जहाँ पर थोड़ी सी चहल पहल है, और इसके आगे का जो इलाका है वहाँ पर बच्चे वगैरह ज़्यादा खेलते हैं। ये है वो प्लेस जहाँ पर बच्चे बहुत खेल रहे हैं, स्केट बोर्ड वगैरह लेकर साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं। लुक एट हिम। सो गाइस, यही था ओवरऑल क्वार्टर रोड, और यहाँ पर मैं आ गया हूँ। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर है इसका एंड, यहीं पर क्वार्टर रोड होता है ख़त्म है। तो क्वार्टर रोड की कहानी बस यहीं तक, अब आगे चलते हैं अपने बस स्टैंड पर और काम शुरू करते हैं। रोड के इस साइड शायद कुछ बन रहा है, इसके लिए पत्थर लगा करके रखे हैं। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बैडमिंटन से बनाया हुआ है। क्वार्टर रोड से यहाँ आने में कितना समय लगा पता है? 5:16 हो रहे हैं। आ गया हूँ बस स्टैंड पर, पीछे सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट दिख रहा होगा। एंड ये है इलाका बैंड स्टैंड का। 5:17 हो रहे हैं। एक बात बतानी, वो ये कि मैं क्वार्टर रोड गया था सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे मेरी चॉइस से वहाँ पर परफॉर्म करना है गोल्ड मैन, वो अपना लिविंग स्टैचू, उसके पीछे कुछ कहानी है, कुछ वजह है उसकी बहुत ख़ास, जो भी मैं बता नहीं रहा हूँ, आगे आने वाले दिनों में बताऊँगा अगर ये सिचुएशन और ज़्यादा टफ हो गई और ज़्यादा मुसीबत बढ़ गई तो। अभी तो थोड़ी नॉर्मल है तो इतना हैंडल कर लेंगे। सो या दैट इज इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर। अपने दिल की बात कमेंट करना अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और रेड करके बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।